सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अर चैनल जित वाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है एक और नई तो वीडियो में गायस तो गाइज आज की जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है पल्सर 150 फिफ्टी की बाइक है और काफ़ी ज़्यादा ये मॉडिफाई बाइक है और मैंने खुद से मॉडिफ़िकेशन किए हैं तो आज मैं अपने बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ और आज मैं अपने बाइक में क्या क्या ऐसी मैंने इंस्टॉल किए हैं और बजट में मैंने किए हैं गैस तो वो इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके सारा ऐसी सीरीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइज तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्किप मत करना और सारा वीडियो इंड तक देखना यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट मैंने वाइजर यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं और ये जो है ववल वाइजर है जो कि पल्सर वन फिफ्टी और टू और फिर पल्सर 125 में भी यूज कर सकते हो तो मेन हाइलाइटेड पॉइंट है बाइक का आप देख सकते हो बाइक की लुक कैसी है और सेकंड थिंग्स जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये नकल गार्ड है जो कि यूनिवर्सल है कोई भी बाइक में आप लगा सकते हो इसे और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यस डी स्क्रैमलर का मैंने यहाँ पर हैंडलवार मैंने लगाया हुआ है तो इस कारण से बहुत इजीली जो है मेरे बाइक में ये नकल गार्ड फिट हो चुका है आप देख सकते हो ये और इसकी जो प्राइस वगैरह जो भी है सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से चेकआउट कर लेना गाइज और थर्ड जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया गाइज यहाँ पर देख सकते हो विंगलेट तो विंगलेट जो है गाइज ये डोमिनार का विंगलेट है जो शॉर्ट विंगलेट आता है तो इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया बहुत इजी है आप यहाँ पे से डाउन में देख सकते हो मैंने स्क्रू के जरिए यहाँ पे फिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो विंगलेट और ये वाइज़र और ये नकल गार्ड थ्री थिंग्स ऐसा है जो सामने फ्रंट का जो है लुक बहुत चेंज कर रहा है बाइक को और काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल में दिख रहा है बाइक मैंने यहाँ पे फायर स्टॉप को लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है लॉन्ग राइड में अगर आपके बाइक में कहीं पर आग लगती है या फायर कैच करती है तो आप इसके ज़रिए आप आग को बुझा सकते हो सो मैंने बहुत सारे हाईवे में ऐसा एक्सीडेंट देखे हैं बैग वगैरह या फिर गाड़ी में आग लगते हुए तो उसी समय इंस्पायर होकर मैं अपने बाइक मैंने ये फायर स्टॉप लगाया है आराम से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो सो so, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कैसे फ़िक्स किया है तो ये जो आपको स्टैंड मिलेगा आपके फायर स्टॉप के साथ मिलेगा और इसको मैंने क्रैश गार्ड यूनिट से इसको अटैच किया हुआ है और यहाँ पे दो वाशर दो स्क्रू से मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है कोई भी इसे निकाल कर आपके बाइक में अगर कुछ आग वग़ैरह लगती है तो आराम से उस फायर को आप बुझा सकते हो सो so, ये जो है यूनिवर्सल है उसके नीचे आप देख सकते हो गाय मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टॉर्च मैं कैरी करता हूँ ये जो है यहाँ पे दो मोड में आपको ये टॉर्च देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पावर वीम के नाम से आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो सो so, इसको मैं अभी ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो फर्स्ट मोड ये वाला है और सेकेंड मोड यहाँ पे विलंकर का मिलेगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से टॉर्च आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा आप इसके साथ जो है एक स्टैंड मिलने वाला है जो कि आप इसमें लगा आपने क्रैश गार्ड में इसको लगा सकते हो इसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर को इंस्टॉल किया है जैसा कि आप देख सकते हो सेम टू सेम मैंने राइट right साइड में भी ऐसे ही लगाया हुआ है और ये यूनिट आपको लेना होगा और ये जो है दो पार्ट में मिलेगा आपको तो फर्स्ट ये पार्ट है एक यूनिट को आपको बाय करना पड़ेगा जो कि प्रो एस्पेक् का है और ये भी जो है वाटर बोटल जो होल्डर है ये भी प्रो एस्पेक् का है तो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और प्रो प्रोस्पेक जो है इंडिया का जो है नंबर वन ब्रांड है जो बनाती है ऐसी सीरीज बाइक से रिलेटेड सो यू हैव टू गो फॉर इट यहाँ पे मैंने ऑटो फाई का यहाँ पे लाइट लगाया हुआ है जो कि फॉग लाइट है जो कि आपको अराउंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ में ये मिल जाएगी आपको अब बहुत ही बेस्ट लाइट है ये हाईवे के लिए तो मैं अभी इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है अभी डे लाइट है इसलिए इसकी लाइट अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है बट ये नाइट में बहुत ही अच्छा ये लाइट प्रोवाइड करती है हाईवे के लिए आप दूर से मैं इसका लाइट दिखा देता हूँ आपको तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा ये फॉग लाइट और जस्ट उसके नीचे मैंने एक छोटा सा लाइट जो कि ढाई सौ रुपये की है तो उसको भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसको भी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे जो ढाई सौ रुपये की लाइट है ये भी अच्छी लाइट है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक लाइट जो है ख़राब हो चुकी है नॉट डाउन में यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ दूर से देखने के लिए फॉग लाइट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा मैंने यहाँ पर डिस्क अलार्म लॉक मैंने बाइक किए हुए हैं जो कि ये भी आपके बाइक अगर कहीं पे आप जाते हो बाइक को आप सेफ्टी रखना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो सो so, कुछ इस तरह से आपको लॉक देखने के लिए मिल जाएगा और ये जो है आपको नाइन हंड्रेड में अवेलेबल है अमेज़ॉन पे तो कुछ इस तरह से अलार्म लॉक होता है जो कि आप अपने डिस्क में यहाँ पर लगा सकते हो सो so, मैं इसको प्रेस करता हूँ पहले कुछ इस तरह से लगाना होता है इसे मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया है और यहाँ पे टेन सेकंड के बाद एक बीप आती है अगर उसके बाद हल्का सा अभी आपके बाइक में मूवमेंट होगी तो आप देख सकते हो बाइक को अभी थोड़ा सा मैं मूवमेंट करके देखता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके बाइक से अलार्म बनाना शुरू हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी जो बाइक है सेफ्टी के लिए बहुत ही बेस्ट लॉक है ये तो मैंने यहाँ पे रॉयल इनफील्ड हिमालयन का मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड मैंने यहाँ मोबाइल होल्डर बाइक किया हुआ है जो कि बी का है यहाँ पर देख सकते हो लोगों मैंने लगाया हुआ है एक्चुअली ये बी का नहीं है बट यहाँ पे मोबाइल आप रख सकते हो और चार्ज कर सकते हो मोबाइल यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का स्लॉट भी दिया हुआ है इस तरह से देख सकते हो सो so, काफ़ी चीप एंड बजट में मेरे को ये मिल गया है मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी मैंने चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर लगाया हुआ है सो so, ये सब का जितने भी चार्जिंग पोर्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ये बजाज का स्पेशली आता है आप दूसरे बाइक का भी ले सकते हो के का भी आता है ड्यूब का भी आता है मैंने यहाँ पे थ्रोटल असिस्ट ग्रिप को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि बहुत ही चीप रेट में मेरे को मिला था और मैंने दो बाइक किया था इसलिए मेरे को टू हंड्रेड रुपीज़ में मिला था सो so, इसकी जो प्राइस है अगर आप सिंगल बाय करते हो तो आपको हंड्रेड रुपीज़ पर पीस मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यूज होने वाला यह थ्रोटल ग्रिप सो so, ये भी बहुत ही बेस्ट एसेसरीज़ है बाइक के लिए और लॉन्ग राइड के लिए गए फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो वार इन वेट जो कि आपको ये अमेज़ॉन पर मिल जाएगा जो कि बारह पहले रेट था बट अभी जो इसकी प्राइस रिड्यूस हो गई है और आपको ये ढाई सौ तीन सौ रुपये में मिल जाएगी और इसके अंदर जो है लाइट बिलिंग करती है तो यहाँ पर देख सकते हो लाइट भी लगी हुई है और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये एंटीना जो कि ये लॉन्ग राइड में और नाइट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करता है और ये लॉन्ग राइड में हाईवे पे बहुत दूर से आप विजिबल हो जाओगे और अगर आपके सैडल स्टे के साथ सैडल बैग अगर कैरी करते हो तो ये जो है आपको दूर से विजिबल हो जाओगे ये लाइट के थ्रू क्योंकि बैग लगाने के बाद जो ये जो टेल लाइट आप देख रहे हो ये विजिबल नहीं होता ढंग से तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एंटीना लगाया हुआ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप कमेंट में बताओ ये एंटीना जो है मेरे बाइक में कैसा दिख रहा है गाइज तो ये मैंने अभी लेटेस्ट में एस सीरीज़ मैंने इसमें लगाए हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पर सैरल स्टे लगाया है जो कि लुबिया का सैरल स्टे है जो कि आपको अराउंड थर्टी में आपको ये मिल जाएगा तो ये जो है सैडल स्टे का जो काम होता है आप सैटल बैग इसमें कैरी कर सकते हो क्योंकि बैग जो होता है अक्सर क्या होता है टायर में आने का जो डर होता है उससे आप बच जाओगे तो ये मैंने को 3500 में मिला था लुविया कंपनी का जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये लुविया ब्रांड का है इसके बाद जस्ट देख सकते हो यहाँ पर मैंने सैडल स्टे में जो है यहाँ पर एयरक्राफ्ट लाइट मैंने लगाया हुआ नाइट में बहुत अच्छा ब्लिंग करता है आपने देखा होगा कि एरोप्लेन का जो बॉटम है जो लाइट बिलिंग करती है तो सेम टू सेम पैटर्न का लाइट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने दोनों साइड में यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसको मैं अभी ऑन करता हूँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से ये जो है लाइट ब्लिंक करती है फ्रेंड तो दोनों में अभी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ तो देख लो आप कुछ इस तरह से लाइट देखने के लिए मिल जाएगा आपको इसे बोलते हैं एयरक्राफ्ट लाइट जो कि एरोप्लेन के बॉटम में लगा हुआ होता है इस तरह का लाइट जो मैंने अभी बाइक में इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे देख सकते हो वीडियो के साइड में जो नाइट विजन में मैंने इसे रिकॉर्ड किया हुआ है और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड इसके बाद फ्रेंड मैंने बैक में यहाँ पे देख सकते हो टूल किट बैग मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है लॉन्ग राइड के लिए टूल किट मैंने यूज़ किए हैं लॉन्ग राइड में जो भी मेरे बाइक में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसमें टूल किट कैरी करता हूँ तो कुछ इस तरह से बैग आपको देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही ईजी टू एक्सेस है सो जस्ट मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और अपना टूल किट यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो राइनेक्स का मैं टैंक बैग यूज़ कर रहा हूँ जो भी एसेसरीज़ का पार्ट है और इसके नीचे मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो पल्सर के टैंक में एक प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर पल्सर के टैंक में फ्यूल कैप लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट होता है क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है आपको मैं दिखाता हूँ इस जगह पर तो यहाँ पे देख सकते हो इसके जो कैप में गैपिंग होता है यहाँ पे और इसके अंदर पानी चला जाता है तो इससे बचने के लिए मैंने ये वाटर प्रूफ मैंने कैप लगाया हुआ है मार्केट में आपको अवेलेबल है बट ये वाटर प्रूफ जो है नहीं मिलेगा तो मैंने इसको थोड़ा सा टेलर के पास जाकर मैंने इस, इसमें एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर मोडिफाई किया हुआ है रैक्सिन में तो कुछ इस तरह से बना के अपने फ्यूल जो कैप है उसमें लगा सकते हो और यहाँ पर देख लो कितने सारे लड़के लोग यहाँ पर आ गए हैं तुम लोग कहाँ के रहने वाले यहीं के रहने वाले तो बाइक कैसी लग रही है बताओ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है बाइक तो आप देख सकते हो फ्रेंड ने कुछ इस तरह से यहाँ पे बाइक मेरी लगी हुई है और बाइक जो है कुछ इस तरह से दिख रही है कि यहाँ पे देखो पब्लिक का क्राउड अब बच्चे लोग कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं बाइक को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन था इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बना दूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने बाइक में क्या क्या ऐसे मैंने लगाए हुए हैं तो फाइनली मेरे को टाइम मिला इसलिए गाइज मैंने ऐसे सीरीज का वीडियो बनाया आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज सो फाइनली गाइज यही था मेरे बाइक का ऐसे सीरीज और आपको ये वीडियो और ये कंटेंट कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना और थोड़ा सा भी गाइज यूजफुल लगा होगा तो प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन टेक केयर बाय बाय एंड राइट सेफ गाइज चलो बाय